Hello, beautiful mothers and intelligent dads. So, welcome to Easy Parenting. Friends, आज जिस टॉपिक में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो बहुत ही यूजफुल और बहुत ही बेनिफिट है जो फर्स्ट टाइम मदर बनने वाले, अदरवाइज मदर बनने की प्रिपरेशन में है, तैयारी में है, तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है. और इस वीडियो के मदद से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको हॉस्पिटल बैग तैयार करने के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता रहता है कि जब हम हमारी डिलीवरी का टाइम आ गया है तो हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है या हम उसमें मिस कर रहे हैं, तो उसको एक लिस्ट बना लेनी चाहिए पहले से एंड उसके बाद उसकी तैयारी करनी चाहिए. तो इसमें मैं इस वीडियो में मैं वही सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगी कि कैसे हमें क्या क्या चीज़ें रखनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं रखनी है. और हॉस्पिटल बैग इज मोर लाइक ए शादी, बिकॉज आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, कितनी भी प्रिपरेशन कर लीजिए, बट कुछ ना कुछ मिस हो ही जाता है. बट डोंट वरी, घर हॉस्पिटल अगर आप एक बार चले जाते हैं तो घर में इसका आना जाना लगा ही रहता है, तो वो सामान वापस आ ही जाएगा जो भी आप मिस करेंगे. हाँ, बट अगर आपने घर में रखे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर परचेज करना है तब तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर घर में कोई और ज़्यादा मेंबर्स नहीं है, स्पेशली हस्बैंड है या फिर कोई लेडीज़ है, आपकी मदर हो या मदर इन लॉ, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. अगर हाँ पूरी फैमिली है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो आ भी जाता है, खरीद के भी आ जाता है, नहीं आप तैयारी करेंगे तो भी वो तैयार होकर बैग भी तैयार हो ही जाता है. तो फ्रेंड्स, जो क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको डॉक्टर से ये पता करना है, बात करनी है कि आपका सिजेरियन होना है या नॉर्मल होना है, क्योंकि नॉर्मल में आपको एक या दो दिन की जरूरत रहती है ज़्यादा से ज़्यादा. हाँ, और सिजेरियन में आज के टाइम में तो जल्दी डिस्चार्ज कर देते हैं, पर मिनिमम 4 डेज तो लगने ही लगने रहते हैं. तो जाहिर सी बात है, अगर आप 4 डेज के लिए जा रहे हैं और कहीं आप एक या दो दिन के लिए जा रहे हैं तो आपके कपड़े ऑटोमेटिक ही ज़्यादा हो जाएंगे, तो उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है. तो आपको पहले ये पता करना है, सेकंड आपके साथ कौन रहने वाला है, रुकने वाला है, नाइट स्टे करना है हॉस्पिटल में, बिकॉज अगर जो भी रुकेगा आपको उसका भी साथ ही साथ पैलर ही उसका बिस्का भी सामान ले लेना है, चाहे वो अगर हस्बैंड है तो उनका भी एक पेयर एक्स्ट्रा कपड़े आप ले लीजिए, प्लस बेबी का तो आपको फुल आपको सारी चीजें जाएंगी ही जाएंगी. आजकल वैसे हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स के भी कपड़े प्रोवाइड करते हैं, जैसे गाउन्स वगैरह जो हैं, मैक्सीज वगैरह देते हैं, बट किसी किसी में नहीं देते हैं, तो उसमें आपको पहले से ही हॉस्पिटल में बात करके रखनी होगी कि क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं, उस हिसाब से आप अपनी लिस्ट बनाइए एंड देन आप परचेज करके फिर अपना लेके जाइए. एंड बच्चों का भी सेम ही होता है, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं तो दोनों के ही केस में मुझे एक में प्रोवाइड हुआ था हॉस्पिटल से, एक में नहीं हुआ था. तो जिसमें प्रोवाइड हुआ था उसमें सब कुछ प्रोवाइड हुआ था, मतलब कि मेरे छोटे वाले बच्चे में सब कुछ एवरीथिंग प्रोवाइड किया था, मतलब आपका डायपर से लेके बेबी का किट्स वगैरह, शैम्पू साबुन सब दिया था, तो मुझे रिक्वायरमेंट नहीं थी. और इन्होंने मुझे पहले ही क्लियर कर दिया था कि बेबी का आपका सारा सामान, सिर्फ क्लोथ छोड़ करके सारी चीजें हम आपको देंगे. तो मैं वो आइटम लेके ही नहीं गई थी, क्योंकि अननेसेसरी, जब मुझे पता है तो मैं क्यों लेके जाऊं. और बड़े वाले बेटे में जो कि मेरा 4 साल का है, उसके में उन्होंने कहा था कि नहीं, हम आपका कुछ भी नहीं क्या कहते हैं इसमें प्रोवाइड करते हैं, आपको सारी चीज़ें आपको पहले से ही लेके आना पड़ेगा, तो हम इसमें तैयारी करके गए थे. तो फ्रेंड्स, ये तो आप अपने डॉक्टर से कन्फर्म कर लीजिए एंड हॉस्पिटल से जहां भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं वहां से आप अपना बात कर लीजिए क्या चीज़ें देते हैं और क्या नहीं देते हैं, उस बेसिस पे ही आप तैयारी करिए. तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ इसमें, ये टोटली मेरा खुद का एक्सपीरियंस है क्या चीज़ें चाहिए और क्या चीज़ें नहीं चाहिए. इसके अलावा आप, अगर मैं कुछ भी चीज़ें मिस कर रही हूँ तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के बताइएगा कि क्या चीज़ें मैंने मिस की या आपको क्या लगता है कि आप रिक्वायरमेंट और हो सकती है. अच्छा, सेकेंड थिंग कि मैंने कुछ भी चीज़ें परचेज नहीं की है, जो मेरे बच्चों की पुरानी चीज़ें थी उसी में ही वही चीज़ों को मैं दिखा रही हूँ, तो हो सकता है कुछ चीज़ें मैं मिस भी कर गई हूँ. हालांकि मैं बता दूंगी जो मैं चीज़ें मेरे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पुरानी हो जाती हैं या फिर उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती. मेरा छोटा जो बच्चा है वो अब 1 साल का होने जाला है, 11th month है, तो मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो शायद मैंने उसे हटा भी दिया है, तो इस वजह से आप मुझे बताइएगा. तो फ्रेंड्स, ये है लिस्ट जो मैंने तैयार किया था अपनी डिलीवरी के टाइम, और उनमें से कुछ चीज़ें जैसा कि मैंने आपको बताया मिस भी हो गई थी, तो आप देख सकते हैं मैं नज़दीक से कर दे रही हूँ. एंड
मिस हो गई थी वो, जो बच्चों की रिक्वायरमेंट अब नहीं है। मैं हालांकि बता दूंगी आपको कि क्या क्या मिसिंग है, आप उस हिसाब से तैयारी अपनी आप कर लीजिएगा फ्रेंड्स। मैं अभी इनको पूरा खोल के दिखाती हूँ क्या क्या है ये सामान। तो फ्रेंड्स मैं बताती चलती हूँ कि क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है और क्या क्या चीज़ कैसे कैसे लगती हैं। तो फ्रेंड्स ये डायपर है, अभी तो मेरा बेबी 11 मंथ का हो गया है और ये डायपर उसके साइज़ का है, बट आपको 0 साइज़ का लगेगा अगर हॉस्पिटल प्रोवाइड नहीं करता है तो आप देख लीजिएगा। ये सिर्फ मैं आपके नॉलेज के लिए आपको दिखा रही हूँ। एंड ये बेबी के सॉक्स हैं, बहुत नन्हू से हैं, छोटू से, अब तो मेरे बेबी को नहीं होंगे। वन अगेन वन पेयर है सॉक्स का, और ये कैप है। तो इसकी रिक्वायरमेंट आपको लगेगी। एंड ये वनजी है, तो वनजी जो है वो वूलन क्लॉथ में है और थोड़ा गफ में है, मटेरियल में है, क्योंकि मेरे दोनों ही बच्चे फैब में हुए थे और जैन में हुए थे, तो इन लोग को थोड़ा विंटर्स के कपड़े की रिक्वायरमेंट थी, तो 0 साइज है ये भी। एंड ये फ्रेंड एक और वनजी है, हाफ है, और इसका शेड आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा है, कलर्स कितने प्यारे प्यारे हैं, और इसके बम पे अलग से पैच कर दिया है कपड़ा, और बच्चे पहनते तो बहुत क्यूट लगते थे, अब तो खैर बड़े हो गए बेबी मेरे। एंड ये एक मैंने वेस्ट ले रखा था वुलन, 0 साइज है ये भी। एंड ये भी कैप है उसी के सॉक्स की मैचिंग का, और ये भी वेस्ट है बेबी के 0 साइज का। और 1 मंथ तक तो यही रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे जैसे बच्चे के डेवलपमेंट होता है तो ग्रोथ होता है, तो बच्चे ऑटोमेटिक उनको फिर बड़ा साइज लगने लगता है। और ये मैंने एक ब्लैंकेट लिया था, इसको रैप भी कर सकते हैं चाहे तो, आप ट्रायंगल में ऐसे करेंगे एंड देन ऐसे और फिर इस टाइप से, तो बेबी को आप ऐसे ले सकते हैं, जो उसका हेड रहेगा हेड यहाँ पे आ जाएगा, तो रैप करके लेने देने में बहुत आसानी रहता है, बच्चे को कहीं कहीं भी डॉक्टर को दिखाना है, ले जाना है कहीं पे, तो बहुत अच्छा लगता है। ये एक पिंक साइज का ब्लैंकेट है, बहुत ही सॉफ्ट है, बच्चों के एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बच्चों के कोई भी अगर आप कपड़े लेते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट होने चाहिए, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ही नाजुक होती है, तो रैशेज होने के चांसेस रहते हैं, तो प्लीज़ जो भी आप कपड़े लें वो बहुत ही सॉफ्ट हो, सॉफ्ट मटेरियल्स के हों। तो ये भी देख सकते हैं कार्टून बेस है, कार्टून पे बना हुआ है, तो बहुत ही सॉफ्ट ये भी है, इसको कवर करने के लिए बच्चों को, जैसे हॉस्पिटल में है तो इनको उड़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए बच्चों को। और ये मैं कई मैंने वो ले रखी थी टॉवल्स वगैरह, क्योंकि कुछ ना कुछ बच्चों के साथ लगा ही रहता है जो यूज में आएंगे। ये बेबी के मैंने शीट्स हैं, जो कि मेरे पास 3 है बट मेरे पास 6 शीट्स थी, मैंने बनवाई थी, तो ये देख सकते हैं कितने कार्टून्स उसमें हैं, बच्चों की वर्ल्ड लाइफ पे पूरे आधारित हैं, तो बहुत ही क्यूट से हैं, बहुत ही इनके साइज ये है 0 साइज के हिसाब से ही हैं, तो शुरुआत में तो काफ़ी कुछ लगता है बच्चों का, धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं फिर उनकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो मेरे पास वेट शीट नहीं है, आप ले लीजिएगा, अगर तो इधर बच्चों को जैसे डाल दिया बिना डाइपर के, शुशु वगैरह कर दिए, तब फिर रिक्वायरमेंट हो जाती है। और लंगोट भी नहीं है मेरे पास, लंगोट भी मेरा वो ही हो गया, मैंने जब शुरुआत में बच्चा हुआ तो मैंने, उन लोग ने काफ़ी पॉटी वगैरह करते हैं तो मैंने उसको धुलने के बजाय डायरेक्ट उनको फेंक दिया, तो आप ले लीजिएगा कॉटन के लंगोट्स, मार्केट में अवेलेबल है, मैंने रेडीमेड ही लिया था, कोई बनाने वाला नहीं था तो इसलिए रेडीमेड ही लिया था। ये डिटॉल है, और जब भी बच्चे के कपड़े वॉश करें तो इसका जरूर यूज़ करें, और इसको हॉस्पिटल में भी जरूर रखिएगा, कभी भी रिक्वायरमेंट हो सकती है इसकी भी। सैनिटाइजर बच्चे को बिना टच इसको यूज़ किए हुए किसी को नहीं देना है, ना ही आप खुद भी लीजिएगा, बच्चे को इसको यूज़ करके ही लीजिएगा। ये वाइप्स हैं, मालूम ही है सबको बाजो बेबी के रिक्वायरमेंट जरूरी रहता है। एंड ये एक मैंने फ्रेश कपड़ा अपने लिए ले लिया है, इन अ केस ऑफ जब मैं डिस्चार्ज हूँ तो वेल ड्रेसअप होकर थोड़ा घर आ सकूँ, अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो, अगर सीजेरियन होता है तो जनरली लोग गाउन्स पहन के ही आते हैं। ये कॉटन के दुपट्टे हैं, इसको बेबी का सर कवर करने के काम आता है, एज वेल एज आपके भी सर कवर करने के काम आते हैं। हमारे यहाँ बोला जाता है कि आफ्टर डिलीवरी सर और पाँव खुला नहीं छोड़ते हैं, तो 1 पीस ऑफ सॉक्स मैंने रखा था। और ये टॉवल है मेरी,
एंड इसके अलावा एक मैंने लॉन्ग ये टी शर्ट ले रखा है, इसके साथ मैंने पैजामी भी ले रखी है। और लेकिन एक चीज आप रखेंगे, अगर ऑपरेशन हो रहा है, आपका ऑपरेशन के थ्रू हो रहा है, सी सेक्शन के थ्रू हो रहा है, तो इलास्टिक वाला पैजामा नहीं यूज करेंगे, नाड़े वाला करेंगे। एंड ये दो पेटीकोट्स हैं, ये मैंने दो मैक्सी रखी थी। तो मैक्सी क्या है, इसमें फ्रंट ओपन है ताकि फिट कराने के लिए आसानी हो। आजकल क्या कहते हैं, मार्केट में मिंत्राज वगैरह पे काफ़ी कुछ है मैटरनिटी पर्पस से ड्रेसअप्स ड्रेस वगैरह, तो आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, गाउन्स वगैरह हैं जिसमें मतलब काफ़ी कुछ फ्रंट ओपन है लेकिन और कंफर्टेबल भी है। ये आपका सैनिटरी पैड है, बट सैनिटरी पैड ये अभी आपको यूज़ नहीं आएगा बिकॉज हफ्ते एक हफ्ते तक बहुत ही हैवी ब्लीडिंग होती है, तो जिसके लिए वो क्या कहते हैं डॉक्टर रिकमेंड करते हैं एंड मेडिकल स्टोर पे भी अवेलेबल रहता है, तो आप वहाँ से जाकर के पूछ के ले सकते हैं। और ये जो है ये आफ्टर ए वीक आपको काम आएगा। ये मैंने गूम्स किट भी ले रखा है, तो ये एक क्या कहते हैं नारियल का तेल है मैक्स केयर का, रिक्वायरमेंट अगर हुई तो। इसमें मैंने रखा है एक नीविया का क्रीम मॉइस्चराइजर और लोटस का वाइट ग्लो क्रीम, इन अ केस ऑफ अगर जरूरत पड़ी या मेरे साथ कोई गया उसको जरूरत पड़ी तो, इस पर्पज से रखा था। ये छोटा सा मिरर फेस देखने के लिए, इसके अलावा कोम है, सिंदूर है, क्लचर एंड रबर्स हैं एंड वन लिपस्टिक। ये तो ये हो गया आपका थोड़ा सा मेकअप का सामान रिक्वायरमेंट, क्योंकि हम नहीं भी यूज़ करेंगे लेकिन जो रहेगा उसको भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। एंड इसमें मेरा ब्रश पत्ती है, हाँ ये ब्रश पत्ती है, और ये एक फेस वॉश है, और ये ब्रश पत्ती है, ये फेस वॉश है। और इसके साथ आप एक पाउच अगर हो तो आप इजी रख लीजिएगा, बच्चे के क्लोथ्स अगर गंदे हो गए जिनको आपको डंप नहीं करना है, फेंकना नहीं है डायरेक्ट, तो आप उसको वॉश करने के लिए ले सकते हैं। और एक अगर कोई भी रख सकते हैं कि अगर रिक्वायरमेंट हुई किसी को कपड़े उपड़े धुलने की, वहाँ पे ज़्यादा दिन रुकना पड़ा सिरेनियन है तो। एंड इसमें कुछ सामान जो मिसिंग है मेरे हिसाब से गाइस, वो है मोबाइल चार्जर। आजकल तो जानते ही हैं बेबी आता है तो फोटो खींचना शुरू हो जाते हैं, तो मोबाइल चार्जर तो मस्ट है। एंड जो आपके साथ जा रहा है उसका सारा सामान, एंड एक मैंने जो नहीं लिया है वो मेरा वो है क्या कहते हैं मस्टर्ड ऑयल, वो हमारे यहाँ डिलीवरी के बाद सर पे वही लगाते हैं, मस्टर्ड ऑयल ही लगाते हैं। एंड बाकी कुछ आप प्लेट कटोरी चम्मच नाइफ रख सकते हैं क्योंकि फ्रूट्स वगैरह काटने के काम आता है। तो ये तो जो बेबी का सामान की आपको रिक्वायरमेंट हो गई। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर थोड़ा सा भी आपके यूज़ में है प्लीज़ प्लीज़ और प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू गाइज, जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो में।